नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। लोकसभा राज्यसभा से 370 क्या हटा, पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो गए। पिछले एक महीने से पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला कर थक गया है, लेकिन पाकिस्तान की कोई सुध लेने वाला नहीं। और अब थक हार कर पाकिस्तान युद्ध युद्ध कर रहा है, और जब दिमाग से युद्ध हट जाता है तो परमाणु परमाणु चिल्लाने लगता है। और अब तो बलूचिस्तान और पीओके को लेकर इमरान खान, मीडिया और राजनीतिक विश्लेषकों की नींद हराम हो रखी है। और पाक मीडिया इस बात को लेकर बहस कर रही है कि मोदी बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर कहीं पाकिस्तान के पीओके पर कब्जा न कर लें। और इस डर को लेकर पाक आर्मी भी मीडिया के हां में हां मिला रही है। पाक मीडिया के सबसे बड़े ग्रुप जियो टीवी के संपादक हामिद मीर खुलेआम अपने प्रोग्राम में कहते हैं कि जब भी पाकिस्तान भारत से वार्ता की बात करता है तब भारत ये कहता है कि नहीं, चलो पीओके पर बात करते हैं। दूसरा अहम सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तान इसराइल की मदद से आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान पर हमले का मंसूबा बना रहा है? और तीसरा अहम सवाल ये है, क्या मौजूदा हालात में पाकिस्तान को इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम कर लेने चाहिए? वहीं हामिद मीर के प्रोग्राम में आए सभी दिग्गज मेहमान, जिनमें शेरी रहमान और मलिक ने भी माना कि हो सकता है कि भारत इसराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान से पीओके छीन ले। ये डर इतना बढ़ गया है कि पाक पीएम इमरान खान दो बार पीओके का दौरा कर चुके हैं और पीओके की संसद में बोल चुके हैं, लेकिन भारत इसराइल और मोदी नेतन्याहू की दोस्ती बाजवा इमरान खान और मीडिया को सोने नहीं देती। इसलिए सभी एक ही सुर में एक ही बात चिल्ला रहे हैं कि मोदी अपने दोस्त के साथ मिलकर एक रणनीति पर काम कर रहे हैं जो कि पीओके के लिए है, और भारत जल्द ही इसराइल के साथ मिलकर पीओके पर कब्जा करने वाला है। जबकि पाक मीडिया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हमेशा ये आरोप भी लगाते रहे हैं कि भारत पाकिस्तान को अस्थिर भी कर रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसी बलूचिस्तान में आग लगा रही है। वहीं पाक के कई नेता ये खुलेआम चिल्ला चिल्ला कर कह चुके हैं कि भारत बहुत जल्द पीओके पर कब्जा करेगा। इसकी शुरुआत भी पीओके से हुई, जो पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद से चलकर पीओके पहुंचे और कहा कि पहले तो ये लगता था कि पाकिस्तान श्रीनगर पर कब्जा करेगा, लेकिन इमरान खान की गलत नीति के कारण अब ये लगने लगा है कि हम मुजफ्फराबाद बचा पाएंगे या नहीं। इसी तरह जम्मू कश्मीर पर पाक इजलास बुलाई गई, जहां पर बोलते हुए पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने बड़े ही बेबाक अंदाज में संसद में बोला कि पाकिस्तान और इमरान खान को चाहिए कि वो भारत से दोस्ती कर लें, नहीं तो मोदी इमरान खान को बर्बाद कर देंगे। इसके बाद अब पाक मीडिया भी इसी तरह की बात करने लगा है और कहने लगा है कि भारत अब पीओके पर कब्जा करेगा, और वो कब करेगा ये तो पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान के हाथ से पीओके जाने वाला है ये तो तय है। ये हम नहीं, पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि पीओके जाने वाला है। और पहले तो नेता कहते थे, अब तो राजनीतिक विश्लेषक, विदेशी मामलों के जानकार, मीडिया भी ये बात कहने लगी है कि मोदी अपने दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर पीओके पर कब्जा कर लेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे।